यूपी के रामपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 14 लाख के सोने चांदी के आभूषण सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान चोरी की 3 वारदातों को कबूल भी किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश कर सोने चांदी के आभूषण और अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करते हुए खुलासा किया है। सीएस सलोनी अग्रवाल ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जिनसे चोरी हुए चांदी के 40 किलो जेवरात व अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश अन्य जनपदों के हैं, जो रामपुर में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे, जिन्हें आज जेल भेज दिया गया है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। के अंतर्गत नवंबर में एक जिसमें एक सराफा व्यापारी है मित्र सोरेन, उनकी दुकान में नकद लगती है और उनके जो सोने चांदी के जेवरात हैं वो वहाँ से चोरी होते हैं। इस आधार पे पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, पुलिस टीमों का गठन किया जाता है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, थाना मिलक की टीम अपनी अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। इसी दरमियान माह दिसंबर में फर्स्ट वीक में एक घटना इस प्रकार की पुनः घटित होती है। रठौंडा चौकी क्षेत्र में दुकान सराफा व्यापारी हैं, उनकी दुकान में पीछे से नकब लगाया जाता है और सोने चांदी के उनके जेवरात वहाँ से छोड़े जाते हैं। इसके बाद ही पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखा गया 457-380 IPC में। पुलिस टीम अपना जुटी हुई थी अपने काम में, उसके बाद हमें अब जाके सफलता मिली है पुलिस को। इसमें पुलिस के मुखबिरी खास से एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग इकट्ठा होकर बिलासपुर रोड पर एक आम का बाग है, वहीं पर एक निर्माणाधीन धर्म काटा भी है, वहीं पर बैठ के एक योजना बना रहे हैं। वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारा एक आखिरी काम है। इनकी भाषा में बोलते हैं कि दुकान करके आ गए, कि दुकान करके अपना चलते हैं और इस क्षेत्र को फिर छोड़ते हैं यहाँ बहुत। तो इस केस सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम जब वहाँ मौके पर पहुँचती है तो उनके जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ से एक फायर आता है, तो पुलिस ने अपनी घेराबंदी चालू कर दी। उसके बाद अपना बचाव करते हुए पुलिस के द्वारा वहाँ से उन अभियुक्तों को पकड़ा गया, अपराधियों को। उसमें 6 अपराधी हमारे द्वारा पकड़े गए। फिर जब इनसे हमने पूछताछ करी पुलिस से, तो ये सामने आया कि इनके द्वारा जो घटना घटित करी गई है उसका माल सामने ही पेड़ के नीचे दबा हुआ है। वो पुलिस के द्वारा इनकी निशानदेही पे माल बरामद किया गया। वहीं मौके पे तीनों घटनाओं के इन्होंने फिर कैमरे की जो एक घटना थी, एक एक महीने के लगभग अंतराल के बाद घटना हुई है। पहली माह नवंबर के फर्स्ट वीक में हुई है परम चौकी क्षेत्र में, दूसरी दिसंबर में हुई है और फिर तीसरी कैम्बी थाना क्षेत्र में हुई है जनवरी। मैम, जब इन्होंने गोली चलाई थी तो उसमें पुलिसकर्मी कोई घायल हुआ? नहीं, पुलिसकर्मी कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से कोई गोली चली? पुलिस की तरफ से कोई घायल नहीं। मुठभेड़ हुई? मुठभेड़ हुई। पुलिस की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई 307 वगैरह की? इसमें पुलिस की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जाए अलग से इस चोरी से। चलिए ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।